नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, गांव में फ्री मिलेगा पानी, रोडवेज बसों में महिलाओं का आधा लगेगा किराया। वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार, कहा इसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं। धरती पर मंडरा रहा है खतरा, कभी भी टकरा सकता है सौर तूफान, काम नहीं करेंगे मोबाइल फोन, बिजली जाने की भी आशंका। सीएम योगी ने मंत्रियों के कामकाज के लिए तैयार किया प्लान, अब 4 दिन लखनऊ और 3 दिन जिलों में रहेंगे मंत्री। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे मरीज खुद से ना ले दवा, किडनी खराब होने का है खतरा एक्सपर्ट्स। अब आधार बिना बेकार हो जाएगा, पीएम किसान स्कीम का पैसा पाने का सपना, सरकार ने सख्त किए नियम। चीन में रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना, एक दिन में 24,000 से ज्यादा मामले दर्ज, शंघाई में लॉकडाउन भी फेल, भूख से बेहाल हो रहे हैं लोग। आज देश के पास है कई मेड इन इंडिया टीके, हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहतर स्थिति में हैं, नरेंद्र मोदी। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान धोखेबाजों से रहे सावधान, बन चुकी है कई फर्जी वेबसाइट्स। किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएगी गौशाला अर्थव्यवस्था। हाथियों के हमले से मौत पर अब परिजनों को मिलेंगे 6.5 लाख रुपए, फसल और घरों की मुआवजा राशि भी बढ़ाएगी झारखंड सरकार। पंजाब सरकार का एक महीना पूरा होने पर पंजाब को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, फ्री बिजली का ऐलान कर सकते हैं सीएम मान। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जीएसटी अनुदान को 10 साल तक जारी रखने की मांग। नींबू के भाव 7वें आसमान पर, गर्मी में सिकंजी बनाना पड़ेगा महंगा, सोशल मीडिया पर छाया नींबू। 2024 तक अमेरिका जैसी होगी भारतीय सड़कें, केंद्र सरकार बना रही है शानदार सड़क योजना। हिमाचल में बड़े टी एस्टेट मालिक अब नहीं बेच पाएंगे चाय बागान की जमीन, सरकार ने पारित किया विधेयक। भीषण गर्मी के बीच देश में गहराने लगा है कोयला संकट, सरकार ने कहा हालात से निपटने के लिए उठा रहे हैं जरूरी कदम। प्रमोशन में आरक्षण के लिए एससी एसटी के आंकड़े जुटाएगा केंद्र, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। देश के 7 राज्यों में कोरोना फिर हुआ बेकाबू, दिल्ली मुंबई गुरुग्राम में बढ़ते केस ने डराया। कोरोना जैसा वायरस बना रहा है ड्रैगन, लोगों को नहीं मिल रहा खाना और दवाइयां, लेकिन पाक के साथ बायो वेपन बनाने में जुटा चीन। प्याज के दाम में रिकॉर्ड गिरावट, 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल तक रह गया रेट, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में बढ़ सकता है ऑटो टैक्सी का किराया, परिवहन विभाग ने की तैयारी, सरकार लेगी अंतिम फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड ने बढ़ाया एक और कदम, न्याय की जगह गृह विभाग को बनाया नोडल एजेंसी। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करवाने वाले सावधान, पकड़े जाने पर होगी रासुका के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड से बंगाल तक गंगा में कीटनाशकों ने बढ़ाई परेशानी, नदी और जलीय जंतुओं की सेहत पर मंडरा रहा खतरा। इंडोनेशिया में शुरू हुआ पाम ऑयल संकट, भारत में और महंगा हो सकता है खाद्य तेल। अमेरिका अब सांस के जरिए कोरोना का लगाया जा सकेगा पता, FDA ने खास उपकरण के इस्तेमाल की दी मंजूरी। हरियाणा में युवाओं को मिलेगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, सीएम खट्टर का ऐलान, खुलेंगे ड्रोन इंस्टीट्यूट। रेलवे की बड़ी तैयारी, जल्द ही राजधानी शताब्दी को रिप्लेस करेगी वंदे भारत ट्रेन, तेज होगी रफ्तार। किसानों के ब्याज और बिजली के बिलों की माफी, शिवराज का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका का बुरा हाल, अब वाहनों की टंकी फूल नहीं करा पाएंगे लोग, फ्यूल भरवाने पर लिमिट लगी। बिहार में शराबबंदी को विफल बनाने वाले दरोगा और सिपाही बर्खास्त, पैसे लेकर शराब तस्कर को छोड़ने के बाद सेवा समाप्त। भारत की सड़कों पर जल्द ही उतरेगा पहला इलेक्ट्रिक ट्रक, ओलेक्ट्रा ने किया सफलतापूर्वक ट्रायल। कोरोना के सफाये का नया विकल्प मिला, नया एंटीवायरल कोटिंग कोविड वेरिएंट को अंधेरे में भी करेगा निष्क्रिय। फिर शुरू होगा पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी का सिलसिला, कच्चे तेल में एक बार फिर लगी आग। सरकारी दफ्तर में मोबाइल के इस्तेमाल पर मद्रास हाईकोर्ट सख्त, कहा फोन का इस्तेमाल और वीडियो बनाना गंभीर कदाचार। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में फ्री दी जाएगी बूस्टर डोज, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा फैसला।
पीएम मोदी के भाषणों में दिखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के लक्षण, लेकिन कथनी और करनी में फर्क, बोले शशि थरूर। देश में आधुनिक कृषि तकनीक को दिया जाएगा बढ़ावा, आत्मनिर्भर बनेंगे किसान। जल्द ही MRI मशीन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत, बहुत ही कम हो जाएगी स्वदेशी मशीन से जांच की कीमत। EPFO शुरू करने जा रहा नई सर्विस, बस एक दिन में खाते में क्रेडिट होगा विड्रॉल का पैसा। चीन का नया दावा, PLA ने खाली कर दिया LAC का हॉट स्प्रिंग एरिया, लोगों को नहीं हो रहा यकीन। पाकिस्तान में हाहाकार, महंगाई ने तोड़ी कमर, 83.5 रुपए पेट्रोल और 119 रुपए महंगा हो सकता है डीजल। UP में 15 करोड़ लोगों को बड़ी खुशखबरी देगी योगी सरकार, लोकसभा चुनाव तक मुफ्त राशन बांटने की तैयारी। फ्लू से भी कम घातक साबित हो सकता है कोविड, लेकिन सालाना टीकाकरण है जरूरी, एक्सपर्ट्स। म्यूचुअल फंड में निवेश करना हुआ ज्यादा सुरक्षित, सेबी ने यूनिट के लेन देन को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो धरती पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, कभी भी टकरा सकता है सौर तूफान, काम नहीं करेंगे मोबाइल फोन, बिजली जाने की भी आशंका। जी हाँ, अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी NASA और NOAA का कहना है कि कोरोनल माल एजेक्शन तीव्र ऊर्जा के साथ अगले 24 घंटे में धरती से टकरा सकती है, जिससे एक सौर तूफान उठेगा जो बिजली के ग्रिड और इससे जुड़े दूसरे सामान को खराब कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये तूफान G2 लेवल का हो सकता है। NASA और NOAA का कहना है कि इस खतरनाक तूफान के तेज गति के साथ धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने की आशंका है, और तूफान के कारण धरती पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिजली जा सकती है, रेडियो सिग्नल में व्यवधान आ सकता है, GPS इस्तेमाल करने वाले भी दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। सौर तूफान का असर मोबाइल फोन के सिग्नल पर भी हो सकता है, इससे ब्लैकआउट का भी खतरा है। यही वजह है कि तूफान को लेकर हर जगह चिंता जताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ पाम ऑयल संकट, भारत में और महंगा हो सकता है खाद्य तेल। जी हां, भारत में खाद्य तेल की कीमतों में होली के बाद पिछले कुछ दिनों में थोड़ी नरमी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसके दाम में तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भारत में खाद्य तेलों और विशेष रूप से पाम तेलों की कीमतों में फिर से वृद्धि होने की संभावना है। पहले से महंगाई से जूझ रहे आम आदमी के लिए बड़ा झटका हो सकता है। देश में पेट्रोल, डीजल, दूध, CNG और PNG की कीमतों में हालिया वृद्धि के बीच खाद्य तेलों की और महंगाई लोगों को परेशान कर सकती है। भारत खाद्य तेलों के मामले में दूसरे देशों पर यानी कि इंपोर्ट पर निर्भर है। इंडोनेशिया में पाम तेल संकट से भारत में खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को मिलेगी बड़ी राहत, छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात दिलाएगी गौशाला अर्थव्यवस्था। जी हां, नीति आयोग गाय के गोबर के व्यावसायिक इस्तेमाल और किसानों के लिए बोझ बनने वाले छुट्टा पशुओं से जुड़े विभिन्न मसलों को हल करने के लिए एक कार्य योजना पर काम कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि हम गौशाला अर्थव्यवस्था में सुधार करने के इच्छुक हैं, को गौशाला अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि उसका व्यवसायिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। नीति आयोग में कृषि नीतियों की देखरेख करने वाले चंद्र ने कहा है कि गाय के गोबर का इस्तेमाल बायो CNG बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए हम इस तरह के संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं ताकि छुट्टा पशुओं की समस्या से निजात पाई जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात कर, हिमाचल प्रदेश सरकार के बड़े ऐलान, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, गांव में फ्री मिलेगा पानी, रोडवेज बसों में महिलाओं का आधा लगेगा किराया। जी हां, हिमाचल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने जनता को बड़ी राहत देते हुए 0 से 125 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया, इससे 11.5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में 50% किराया वसूलने की घोषणा की, यानी महिलाओं को अब HRTC बस में आधा किराया लगेगा। मुख्यमंत्री ने तीसरी बड़ी घोषणा यह की कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल नहीं चुकाना होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने होली उतराला सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। हालांकि बिजली, पानी और महिलाओं को लेकर किए गए बड़े फैसले को इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आधार बिना बेकार हो जाएगा PM किसान स्कीम का पैसा पाने का सपना, सरकार ने सख्त किए नियम। जी हां, किसानों को डायरेक्ट फायदा देने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 11वीं किस्त आने से पहले किसानों को इसके बदलाव के बारे में जान लेनी चाहिए। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल 2022 से सभी भुगतान आधार कार्ड पर आधारित होंगे, यानी आधार के बिना आपको किसी भी सूरत में पैसा नहीं मिलेगा। इस महत्वपूर्ण स्कीम में हो रही धांधली को रोकने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। यही नहीं, ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों की सूची का ऑडिट करवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की लिस्ट अलग से डिस्प्ले की जाएगी। दरअसल गांव में एक दूसरे को पता होता है कि कौन पात्र है कौन नहीं, इसलिए इस ऑडिट से फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, आज
आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।